गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक रियू, जिसमें हम वेस्ट से बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है एंड 100% सॉल्यूशन हो गया है। तो मैं आज उसी का रिव्यू करूंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कि यस, आप लोग भी उसे ट्राई कर सकते हैं, आपको भी ज़रूर बेनिफिट होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आज से 3 महीने पहले ये वाला वीडियो डाला था, बिकॉज मैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत डिस्प्रेड थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, बिकॉज मुझे हेयर फॉल हो रहा था। उसे हेयर फॉल नहीं बोल सकते, उसे एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा था। मेरे हेयर इतने ब्रेक हो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था। तो अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे जो हेयर्स थे वो बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं फॉलिंग होना। यस, बिल्कुल भी नहीं अब गिर रहे हैं, इवन बाथरूम में या लेटते टाइम या कॉम करते टाइम बिल्कुल भी अब ब्रेक नहीं हो रहे हैं। यस, मैं ये बोल सकती हूँ 100%, बिकॉज जिस तरीके से हो रहा था उस तरीके से तो 100% है। यस, जब कभी हम जल्दी में मैं कॉम करती हूँ इवन तब अपने 8, 9, 10 इतने ही हेयर्स ब्रेक हो रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। और ये आप स्कैल्प देख रहे हैं, ये मेरी सेल्फ स्कैल्प है। यस, ये मेरी खुद की स्कैल्प है, जिसके आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इतनी ब्रॉड सी उसके स्कैल्प हो रहे थे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब मेरे साथ कैसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं नाउ मेरी ये स्कैल्प है इस तरीके से। और भी मैं आपको स्कैल्प दिखाती हूँ, ये मेरी सबसे जो ब्रॉड हुई थी, सबसे ज़्यादा यहीं से हेयर लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हैं अब किस टाइप के, आपको मैं यहाँ पर भी पिक में शो करूँगी, आप दोनों को मैच करके देख सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए जो इतनी चौड़ी चौड़ी हो रही थी वो अब बिल्कुल भी हो रही है, सब में यहाँ पर हेयर्स आ रहे हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे से, ये देखिए ये छोटे छोटे से हेयर्स हो रहे हैं ना, ये मेरे हेयर्स आ रहे हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे से हेयर्स हैं, सबके मांग के बीच में बहुत छोटे छोटे से हेयर्स आपको दिखेंगे। शायद यहाँ कैमरे पर सही से नहीं शो हो रहे हों, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने 2-2 इंच के हेयर्स हो चुके हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये सारे हेयर्स यहाँ से पूरा, ये इतना एरिया खाली हो चुका था। और देखिए यहाँ पर भी हेयर्स आने शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं और भी है ये बोथ साइड, ये भी देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से हेयर्स हैं। ये सारे हेयर्स मेरे चले गए थे जो कि अब आने शुरू हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं हेयर्स। और अब देखिए जो मैं अपने सुलझे बालों में भी कॉम डालती थी इवन तब भी मेरे बाल काफी ब्रेक होते थे। और अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं हो रहा कि अभी इतने उलझाने के बाद, और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए यहाँ पर भी उलझ गए हैं, एक भी हेयर अब ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं, चलिए बात करते हैं कि मैंने क्या यूज़ किया। तो सबसे पहले तो आपको काम करना है कि अपने आप को बालों में ऑयलिंग जरूर करनी है। यस, मस्त से कि आप ऑयलिंग कीजिए। यस, ऑयलिंग आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, अगर आपके हेयर ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं तो आप कोई भी ऑनियन ऑयल ले सकते हैं, लाइक आप ममाज अर्थ का ले सकते हैं, वाव का ले सकते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अनियन ऑयल यूज़ कीजिए, बिकॉज ये ऑयल काफ़ी आपको बेनिफिट करेगा। और इसके बाद मैंने वॉश करने के बाद मैं एक ऑयलमेंट कैप्सूल होते थे वो अपने हेयर्स में लगाती थी, बिकॉज वो हमारे जो विटामिन B12, विटामिन ई, ऑल जो भी होते हैं मिनरल्स होते हैं उन सबको कंप्लीट करता था, हमारे हेयर्स को काफ़ी न्यूट्रिशन देता था। तो वो है ये, वो ये कैप्सूल हैं, इनका नेम और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये इतना बड़ा कैप्सूल आता है, इसको आपको अपने हेयर वॉश, जब आप नाइट में हेयर वॉश वो हेयर अपने ऑयलिंग करेंगे, देन आप सुबह उसको वॉश करेंगे, और आफ्टर वॉश के बाद जब आपके हेयर्स ड्राई हो जाएं, यस ड्राई हो जाएं, तब आप उसके नोजल को खोल कर यहाँ से बस इसके नोजल को इस तरीके से थोड़ा सा कट करेंगे, और आप चाहे तो अपने पाम पर ले सकते हैं, या आप धीरे धीरे से यहाँ पे स्कैल्प में डाल सकते हैं। मैं पाम पे लेकर, इतना सारा ऑयल इसमें निकल आता है, काफ़ी ऑयल निकल आता है, ऑयल इसमें निकल के आ गया है। आप अपनी पूरी स्कैल्प में इसे अच्छे से रफ कर लीजिए, एंड जब तक आप अपने हेयर्स को वॉश नहीं करेंगे है, तब तक ये आपके बालों को एकदम से सिल्की शाइनी रखेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। यस, और ये आपके बालों को, जब तक आप ऑयलिंग नहीं करते हैं, वॉश नहीं करते हैं, तब तक ये आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होने देगा। यस, और ये स्मूथ करने में हेल्प करेगा। तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको विटामिन ई का मिलेगा और विटामिन B12 मिलेगा, एंड और एक ओमेगा 3 का है, वो भी आपको इसमें सारे ऑयल्स, और कैस्टर ऑयल भी इसमें एडेड है। यस, तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपके बालों को एकदम से सिल्की और शाइनी बना देगा, लेट सी, यू कैन सी। और ये ऐसा है, ये आपको एक दो घंटे के बाद ये पूरा ऑयल आपके हेयर्स में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी इस तरीके से अभी आपको हल्का हल्का ऑयल इसमें नज़र आ रहा है, दैट मीन्स 1 या 2 आवर्स के बाद ये बिल्कुल चला जाएगा, हमारी स्कैल्प की जो स्पैम है वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बालों को स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इससे ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसके अलावा मैंने और भी रेमेडीज़ यूज़ की हैं, देन मैं अगेन एंड अगेन वीडियो में आपको शो कर दूंगी, बिकॉज हेयर लॉस की प्रॉब्लम से मैं बहुत ही डिप्रेस हो रही थी, बहुत परेशान थी, तो मैंने बहुत कुछ यूज़ किया है, बहुत कुछ, बट मैंने जो सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, मैं अलग अलग रेमेडीज़ यूज़ कर रही थी, मैंने कुछ टैबलेट्स भी ली हैं, यस हार्मोन इम्बेलेंस की टैबलेट भी ली है, मैं उनको भी शो करूँगी। एंड पहले मैं अपने डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट कर लूँ कि मतलब इसे कोई भी ले सकता है, बिकॉज वो विटामिन की ही है, ज़्यादा वैसी नहीं है, तो मैं एक बार उनसे कंसल्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।